हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हर्ष और आज के वीडियो हम बनाने वाले एक टेबल लैम्प। ये टेबल लैम्प पूरी तरीके से रिचार्जेबल बनने वाला है फ्रेंड्स, और ये बहुत ही यूनिक बनने वाला है फ्रेंड्स। ये पूरा तरह से फेस्टिवल भी रहेगा, आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, ये 2v1 बनने वाला, मैं बता दूं, अगर आपके घर पे लाइट गोल हो गई तो ये इमरजेंसी लैम्प की तरह भी यूज आप इसको कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों से शेयर करना। चलिए फ्रेंड्स, अब जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे गाइस, सबसे पहले हमें स्प्रिंग डाल देना है, जो कि बहुत ही आसानी से हार्डवेयर शॉप में आपको मिल जाएगी। और गाइस, उसी हार्डवेयर शॉप से मैंने GI तार भी परचेस किया, आप देख सकते हो वीडियो में। और GI तार को गाइस हमें इस तरह से स्प्रिंग तार के अंदर डाल लेना है। आप देख सकते हो गाइस वीडियो में मैं कैसे वर्क कर रहा हूँ। सिंपली इस तरह से आपको भी ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए वर्क करना होगा। गाइस, इसकी लंबाई की बात करूँ तो इसकी लंबाई मैं 12 इंच रखा हूँ। 12 इंच में मैंने इसको कट किया है, आप देख सकते हो वीडियो में। आप भी 12 इंच ही लेना गाइस, ये परफेक्ट साइज़ है। आप देख सकते हो गाइस, इस तरह से हमको स्प्रिंग तार में GI को डाल लेना है। और ये देख सकते हो गाइस कितना फ्लेक्सिबल है। ऐसे हमको दो पीस निकालना है गाइस, उसके बाद हमको सीधा गैस वेल्डिंग शॉप पे चले जाना है और इस तरह से हमको वेल्डिंग करा लेना है। दोनों स्प्रिंग तार को गाइस हमें एक साथ इस तरह से जोड़कर वेल्डिंग करा लेना है। और पीछे आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पे मैंने पट्टी भी लगाया है, तो इसी तरह से पट्टी में भी हमें वेल्डिंग करा लेना है गैस वेल्डिंग में, जो कि बहुत ही सस्ते में हो जाता है। अब गाइस हमको एक इलेक्ट्रिक बोर्ड लेना है। ये दो मॉडल का बोर्ड है गाइस, आपको मैं बता दूँ, ये बहुत ही इजी इलेक्ट्रिक शॉप में आपके लोकल मार्केट में मिल जाए। इस पट्टी को गाइस इस इलेक्ट्रिक बोर्ड पर फिक्स करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस कि मैं बोर्ड की मदद से इस इलेक्ट्रिक बोर्ड पर पट्टी को फिक्स कर रहा हूँ, जो कि बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो चलिए गाइस जल्दी से इसे फिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने फिक्स कर दिया गाइस दोनों साइड, आप देख सकते हो अच्छे से टाइट कर दिया। अब ये फिक्स हो गया, हिलेगा नहीं। लेकिन गाइस यहाँ पे ये अनबैलेंस हो रहा है, क्योंकि ये बोल्ट ऊपर आ जा रहा है। उसके लिए गाइस मैंने 4 छेद और निकाले हैं, और उसमें हमको सिंपली इस तरह से बोल्ट लगा देना है। आप देख सकते हो नट बोल्ट में मैं एक नट पहले कसा हूँ, उसके बाद अंदर से एक और नट कसा हूँ। इस तरह से हमको चारों साइड पर लगा देना, तो ये अच्छे से अनबैलेंस खड़ा हो जाएगा, इधर इधर हिलेगा नहीं। तो चलिए गाइस जल्दी से इसे लगाते हैं। अब गाइस ये ऊपर के प्लेट को हमको फिक्स करना है। तो यहाँ पे इस फिक्स करने के लिए यहाँ पे हमें होल करना पड़ेगा एक। तो होल करने के लिए गाइस मैं सोल्डिंग आयरन मशीन से होल कर रहा हूँ, जो कि बहुत ही इजी हो जाएगा। इससे आप देख सकते हैं गाइस वीडियो में, इसको होल करते हैं, उसके बाद इसको फिक्स करेंगे। अब गाइस हमारे टेबल लाइट के लिए हमें रिचार्जेबल बैटरी बनानी है। तो उसके लिए गाइस मैं लिथियम बैटरी का यूज़ कर रहा हूँ। मैं 2 लिथियम बैटरी का यूज़ कर रहा हूँ गाइस, आपको मैं बता दूँ, क्योंकि इसका बैकअप मेरे को अच्छा चाहिए। तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव को एक साथ और नेगेटिव को एक साथ सोल्डिंग कर रहा हूँ गाइस, जो कि बहुत ही ईजी है। आप भी इसे बहुत ही ईजी कर लोगे। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हमारा नेगेटिव साइड है गाइस, और ये हमारा पॉजिटिव साइड है। तो गाइस अब इन दोनों बैटरी को मैं एक साथ टेप मार देता हूँ, और इधर नेगेटिव और पॉजिटिव साइड जहाँ हम सोल्डिंग की उसको भी टेप मार देता हूँ गाइस, फिर ये सेफ हो जाएगा अच्छे से हमारा बैटरी।
गैस हमारे बैटरी को चार्ज करने के लिए एक सर्किट का ज़रूरत पड़ेगा हमको, जो कि बहुत ही आसानी से ऑनलाइन या आपके लोकल मार्केट में मिल जाएगा। इस सर्किट का नाम TP4056 है गैस, और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डालूँगा, वहाँ से आप ऑनलाइन भी इसे परचेस कर सकते हैं। गैस इसका कनेक्शन बहुत ही आसान है, ये B+B- बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव सोल्डिंग होगा, और ये OOUT+OUT- में लाइट का पॉजिटिव नेगेटिव सोल्डिंग होगा, और इधर गैस हम चार्जिंग पिन को सोल्डिंग करेंगे। तो गैस चलिए अब इसको जल्दी से सोल्डिंग करते हैं। गैस हमारा चार्जिंग करने का पिन बोर्ड पर फिक्स नहीं हो रहा था, तो हमने चार्जिंग पिन एक और ऐड किया है, तो ये चार्जिंग पिन हमारे बोर्ड में बहुत ही इजी फिक्स हो जाएगा। तो गैस हम सबसे पहले यहाँ पे बैटरी को रखते हैं और बैटरी को सेट करते हैं अच्छे से, और ये जो चार्जिंग पिन हमने सोल्डिंग किया उसके लिए मैंने होल पहले से करके रखा हुआ था, तो यहाँ पर इसको निकालना पड़ेगा गैस, थोड़ा सा ढीला करना पड़ेगा बोल्ट को हमें। अब इसको हमको फिक्स कर देना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस ये बहुत ही इजी फिक्स हो गया है। अब इसको चिपका भी देते हैं, इसको अच्छे से चिपका देते हैं गाइस, ये बिल्कुल भी हिले ना और एक जगह सेट रहे। तो इसको थोड़ा देर सूखने दे देते हैं, फिर ये सूख जाएगा तो अच्छे से सेट हो जाएगा गाइस। अब ये सूख कर सेट हो गया है, अब हमको बोल्ट को फिर से कस देना है, तो अच्छे से टाइट करना है गाइस, बोल्ट को बिल्कुल भी लूज ना रहे, और इस तरह से बैटरी को भी सेट करके हमारे जो चार्जिंग सर्किट है उसको डबल साइडेड टेप से यहाँ पे मैं चिपका देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने चिपका दिया गाइस डबल साइडेड टेप से चार्जिंग सर्किट को भी, आप देख सकते हो यहाँ तक हमारा अच्छे से सेट हो गया है। अब ये वाला स्विच हमारा काम का नहीं है गाइस, मैं ये वाले स्विच को यहाँ पर सेट कर रहा हूँ, तो इसको सेट करने के लिए यहाँ पे होल बनाना पड़ेगा। तो सिंपली मैंने सोल्डिंग आयरन मशीन से होल बना रहा हूँ यहाँ पे, आप देख सकते हो वीडियो में, जो कि बहुत ही इजी इससे होल बन जाएगा। और यहाँ पे इसके लिए होल निकाल लिया हूँ गाइस मैं, और इसको भी जल्दी से अब सेट कर देते हैं। यहाँ पे गैस हमारा स्विच अच्छे से सेट हो गया, अब इसको निकाल लेना गैस और इसका कनेक्शन भी कर देना है। तो यहाँ पे हमारा डायरेक्ट जो बैटरी से नेगेटिव वायर आ रहा है उसको हमें स्विच के एक लेग पर कनेक्शन कर देना है। आप देख सकते हो गैस वीडियो में मैं कैसे वर्क कर रहा हूँ, बहुत ही ईजी कनेक्शन है। वीडियो आप पूरा वॉच करोगे तो आपको एक बार में ही समझ आएगा। उसके बाद दूसरे लेग में हमको एक और वायर ऐड करना है, एक्स्ट्रा लेग, और ये लेग हमारा नेगेटिव साइड है जो कि लाइट के नेगेटिव में लगेगा और पॉजिटिव हमारा डायरेक्ट रहेगा बैटरी से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस इसको सोल्डिंग भी कर देता हूँ थोड़ा सा, ये बिल्कुल भी हिले ना और गाइस बाद में प्रॉब्लम भी ना करे। तो गाइस यहाँ पे हमारा कनेक्शन हो गया, अब स्विच को हमको फिर से वापस से सेट कर देना है। आप देख सकते हो गाइस वीडियो में ये स्विच फिर से सेट हो गया अच्छे से। अब गाइस इसका जो ढक्कन है बोर्ड का उसको भी हमको लगा देना है, तो छेद तो मैं पहले से ही कर लिया था साइज लेकर। आप पूरा वॉच कर रहे होगे वीडियो तो आपको पता ही होगा, और इसका स्क्रू भी टाइट कर देते हैं गाइस, स्क्रू इसके साथ ही मिला रहता है, तो स्क्रू को भी अच्छे से टाइट कर देना है। इसके बाद गाइस हमको एक ख़राब LED लेना है, और इस ख़राब LED को मैं पूरी तरीके से खाली कर दिया हूँ गाइस, आप देख सकते हैं वीडियो में। गैस इस LED में मैं दो होल किया हूँ, ये दो होल मैं क्यों किया हूँ आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। इसके साथ साथ हमको एक फेजिबल पाइप लेना है गैस, ये फेजिबल पाइप 1 फीट के करीबन है, तो जितना हमारा GI तार है गैस स्प्रिंग तार है उतना ही हमको लेना है, आप देख सकते हो। हमारे स्प्रिंग तार में गैस फेजिबल पाइप को डाल लेना है इस तरह से, और जो हम दो होल किए थे उसको भी इस तरह से हमको सेट कर देना है स्प्रिंग तार से, आप देख सकते हो गैस वीडियो में। और गैस मैं यहाँ पे 3 वॉट का DC LED लाइट लिया हूँ, तो ये हम लगाने वाले हैं इस
टेबल लैम्प में तो गाइस इसका ब्राइटनेस बहुत ही अच्छा है, इस वजह से इसको मैं लगा रहा हूँ। तो इसके वायर को गाइस सिंपली हमको फ्लेक्सिबल पाइप से डाल लेना है अंदर और नीचे से निकाल देना है, तो तार भी हमारा एक बूंद दिखेगा नहीं। तो गाइस अब इसको हमको सेट करना है इस LED को इस स्प्रिंग तार में। तो उसके लिए गाइस मैं MCL की मदद से इसको सेट करूँगा, MCL की मदद से बहुत ही अच्छे से ये सेट होगा गाइस। तो चलिए गाइस जल्दी से इसको सेट करते हैं। यहाँ पे गाइस MCL की मदद से इसको अच्छे से हमने फिक्स कर दिया है। अब इसको थोड़े देर हमें सूखने देना है गाइस, बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। A few moments later. हमारा MCL अच्छे से सूख गया है गाइस। अब गाइस इस LED लाइट को भी हमको सेट कर देना है, तो इसको मैं ग्लू गन की मदद से अच्छे से चिपका रहा हूँ। यहाँ पे गाइस हमारा ये दो वायर है, ये हमारा लाइट का वायर है गाइस, आपको मैं बता दूँ पॉजिटिव और नेगेटिव। और ये दो वायर है हमारा, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये बैटरी का वायर है गाइस। एक वायर हमारा स्विच से होते हुए आया है नीले कलर का, और एक वायर हमारा डायरेक्ट हमारा बैटरी से आया है पॉजिटिव। सो चलिए गाइस इसका कनेक्शन भी हम जल्दी से कर देते हैं। अब गाइस हमें पैन रखने के लिए जुगाड़ बनाना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस मैं ये वाली बॉटल का यूज़ कर रहा हूँ, ये मेडिसिन का बॉटल है गाइस। तो इसको यहाँ से हमें कट कर लेना है, आप देख सकते हो ये कितना प्यारा दिख रहा है गाइस। अब इसको भी हमको यहाँ पे सेट कर देना है, तो यहाँ पे मैं ग्लू गन की मदद से इसे सेट कर रहा हूँ। तो चलिए गाइस जल्दी से इसे भी हम सेट कर देते हैं। गाइस यहाँ पे हमारा टेबल रैम पूरा रेडी है, बस इसमें एक चीज़ की कमी है गाइस, तो चलिए उसको भी जल्दी से पूरा कर देते हैं।